नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको अकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। इससे पहले हमने पिछला टॉपिक त्यौहार एवं मेले कम्प्लीट किया था। आज ये एक क्लास का टॉपिक है मित्रों, छोटा सा टॉपिक है, प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों की कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो एक ही क्लास का टॉपिक है मित्रों, ध्यान से पढ़ना, एक क्लास में पूरा का पूरा आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपके आएगा तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चले बढ़ते हैं। भाषा एवं बोलियां, भाषा एवं बोली या बोलियां, ठीक है। हाँ, राजस्थान के लिए कहावत भी है, पांच कोस पर पानी बदले और सात कोस पर वाणी बदले। अर्थात पांच कोस पर जाओ आप पानी बदल जाए, बटन थोड़ा सा दूर जाओ सात कोस पर जाता है अपनी वाणी बदल जाए। अर्थात बोलने की जो शैली है वो बदल जाती है हमारी। खटकियाँ ही बोला है, खटकियाँ ही बोला है, बीकानेर साइड जैसे थाने बोली अलग अलग सी, मतलब थोड़ी सी दूरी पर जाता है अपनी बोली है वह चेंज हो जाए, है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां हैं मित्रों, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, जो राजस्थानी बोलियां हैं इन बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख, राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख, आपसे पूछ ले, राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, सबसे पहले उल्लेख राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किया जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। किसने किया, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में कब किया था, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किया। और इस जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किया। ठीक है, और राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले इसने राजस्थानी नाम दिया, क्या दिया, राजस्थानी नाम। तो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी नाम देने वाला विद्वान कौन है, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किया और राजस्थानी के लिए सबसे पहले क्या नाम दिया, राजस्थानी नाम दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए मित्रों, राजस्थानी के लिए सबसे पहले आपसे पूछ लिया मरु भाषा के रूप में, यानी राजस्थानी भाषा को सबसे पहले मरु भाषा के रूप में उल्लेख है, वो किस में मिलता है, वो मिलता है मित्रों कूलेमाला ग्रंथ में। कौन से में, कूलेमाला ग्रंथ। और ये कूलेमाला ग्रंथ किसने लिखा था, कूलेमाला ग्रंथ उद्धोतन सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था, उद्धोतन सूरी। इस उद्धोतन सूरी ने कूलेमाला ग्रंथ कहाँ पर लिखा था, भीनमाल जालौर में लिखा था। तो उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखे गए कूलेमाला ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किस में मिलता है, मरु भाषा के रूप में। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले राजस्थानी नाम किसने दिया था, राजस्थानी नाम मित्रों किसने दिया था, इसी सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। जबकि राजस्थानी भाषा का मरु भाषा के रूप में उल्लेख है कूलेमाला ग्रंथ में मिलता है। कूलेमाला ग्रंथ किसने लिखा था, उद्धोतन सूरी ने लिखा। किसने लिखा था, उद्धोतन सूरी। हाँ, अब जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है मित्रों, मोटे तौर पर है, देखो एक तो सोर से नहीं वह नागर अपभ्रंश से, सोर से नहीं वह नागर अपभ्रंश से मानी गई है। दो का मिला जुला रूप है राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोर से दी वह नागर अपभ्रंश, इन दो बोलियों से मिलकर मुख्य रूप से मोटे तौर पर पूछ जाती है कि मोटे तौर पर किन किन बोलियों से मिली है। तो सोर से नहीं और जो नागर बोली है नागर अपभ्रंश, इन दोनों का अपभ्रंश मिला जुला रूप है राजस्थानी में। ठीक है, तो राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। कब किया, 1912 में। किस पुस्तक में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। क्या नाम दिया राजस्थानी के लिए, सबसे पहले राजस्थानी नाम। तो राजस्थानी भाषा का
मरुभाषा के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? कूलेमाला ग्रंथ में। किसने लिखा था कूलेमाला ग्रंथ? उद्धोतन सूर्य ने लिखा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मोटे रूप से किन दो बोलियों का अपभ्रंश है? सोरसेनी और नागर, इन दोनों का क्या है? अपभ्रंश माना गया। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, राजस्थानी भाषा का जो साहित्य काल है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल या राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल, राजस्थानी भाषा बोलियों का या साहित्य का जो स्वर्ण काल है मित्रों, वो उत्तर मध्य काल है। कौन सा है? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल जो 1650 से लेकर 1850 तक का समय, 1650 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच का समय उत्तर मध्य काल कहलाता है मित्रों। ठीक है, और ये उत्तर मध्य काल, इससे पहले भी देखो पूर्व मध्य काल आया था, प्राचीन काल आया था, इसके बाद में एक आधुनिक काल, ये चार प्रकार के काल है, प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। इनमें से राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल है, राजस्थानी भाषा या राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल, सबसे अधिक रचनाओं का निर्माण हुआ तो वह उत्तर मध्य काल में हुआ था, 1650 से लेकर 1850 के बीच का मित्रों ये समय था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, सबसे बड़ा शब्दकोश किसने तैयार किया? राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश सीताराम लालस ने, किसने किया? सीताराम लालस, जो जोधपुर के थे, कहाँ के थे? जोधपुर के थे। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, इस शब्दकोश में राजस्थानी भाषा के लगभग 2 लाख शब्द मिलते हैं, इसीलिए इस सीताराम लालस का जो नाम है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका एक पुस्तक है उसमें भी अंकित है। तो राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस ने। अब देखिए मित्रों, राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण, राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किसके अनुसार? मोतीलाल मीनारिया के अनुसार। राजस्थानी बोलियों का मित्रों हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? मोतीलाल मीनारिया के अनुसार। देखिए मित्रों, मोतीलाल मीनारिया है, इसका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। मोतीलाल मीनारिया का वर्गीकरण क्या है? सर्वाधिक मान्य है। हालांकि देखो, मोतीलाल मीनारिया से पहले भी जॉर्ज ब्रायम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। इसके अलावा एल पी टेस्टोरी ने भी राजस्थानी जो बोलियाँ हैं उनको 2 भागों में बांटा था, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। एक नरोत्तम दास स्वामी है, उसने भी राजस्थानी बोलियों को 4 भागों में बांटा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण राजस्थानी। इस प्रकार ये भी 3-4 विद्वान थे जिन्होंने प्रमुख रूप से वर्गीकरण किया था। लेकिन राजस्थानी बोलियों का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण पूछे तो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसका आएगा? मोतीलाल मीनारिया। और मोतीलाल मीनारिया ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया मित्रों? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भाग। कौन कौन से? देखो, मारवाड़ी, कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली। कौन सी है? मेवाती बोली। मारवाड़ी, मेवाती, कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। चौथी मालवी। कौन सी? मालवी। पांचवी बागड़ी। कौन सी आती है? बागड़ी। ठीक है, मोतीलाल मीनारिया के अनुसार सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसका है? राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण पूछे, सबसे मान्य वर्गीकरण किसका है? मोतीलाल मीनारिया। मोतीलाल मीनारिया ने कितने भागों में वर्गीकरण किया? 5 भागों में। कौन कौन से? मारवाड़ी बोली, मेवाती बोली, ढूंढाड़ी, मालवी और बागड़ी। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है मित्रों, वो इन्हीं के इर्द गिर्द पढ़ना है। आपको ये एकदम रट लेनी है, मारवाड़ी बोली कहाँ बोल जाती है, इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है, कहाँ बोली जाती है, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, इसकी उपबोलियाँ जो भी है। तो ये 5 जो वर्गीकरण है, ये आपका मुख्य पॉइंट है मित्रों। 40-50 मिनट की क्लास है तो आराम से इसको यहाँ पर आपको समझना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों मारवाड़ी बोली। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मारवाड़ी बोली। देखो मित्रों, मारवाड़ी बोली की बात की जाए तो ये सभी को पता है पूरे राजस्थान की प्रधान बोली है,
भाई पूछे राजस्थान में कौन सी बोल बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं। और एक क्षेत्र विशेष के आधार पर बात करें हम कि कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है, तो आपको पता है पश्चिम राजस्थान, कौन सा हमारा पश्चिम राजस्थान, तो सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी बोली सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली पश्चिम राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा देखो मित्रों, मारवाड़ी बोली है ये राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर, देखो एक तो है जनसंख्या और एक हुआ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको भी पता है इस मारवाड़ साइड में लंबो सारो खोड़ पड़े एक प्रकार को, जैसलमेर बाड़मेर इधर जोधपुर वाला जो क्षेत्र है इधर खोड़, मतलब क्षेत्रफल बहुत अधिक है ना, इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली पूछे तो कौन सी है, मारवाड़ी। और जनसंख्या के आधार पर पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कौन सी बोली बोल जाती है, तो फिर आती है ढूंढाड़ी जो जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर में मांड घनी पड़ी है, घनी जनता पड़ी है जयपुर में, था नहीं ध्यान है, तो जयपुर जनता अधिक है तो जनसंख्या के आधार पर कौन सी बोली जाएगी, आपकी ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली बोल जाती है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली पूछ ले आपको, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली कौन सी है, मारवाड़ी। नोट जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नोट लगा के लिखना यहीं पर, जनसंख्या के आधार पर कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी। आपसे पूछ ले जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी जो जयपुर साइड में बोली जाती है, चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। क्षेत्रफल के आधार पर तो मारवाड़ी, जनसंख्या के आधार पर ढूंढाड़ी। अब देखिए मित्रों, जो मारवाड़ी बोली है इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली देखिए मित्रों, एक तो देखो जैसलमेर मारवाड़ वाला क्षेत्र ना, मारवाड़ था जोधपुर वाला, तो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, मुख्य रूप से जो जोधपुर है मित्रों, जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं, तो जोधपुर, तो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर, बीकानेर जालोर, जालोर पाली, जालोर पाली सिरोही नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चोरू आदि, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर जालोर पाली सिरोही नागौर गंगानगर हनुमानगढ़ चोरू आदि, इन क्षेत्रों में मित्रों कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब देखो मित्रों, मारवाड़ी की उपबोलियां भी है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां, इस मारवाड़ी की 5-6 उपबोलियां मित्रों, तो उपबोलियों की चर्चा करते हैं, मारवाड़ी की उपबोलियों की। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में सबसे पहले कौन सी आती है, देवड़ावाटी, कौन सी आती है, देवड़ावाटी बोली। मारवाड़ी की सबसे पहली उपबोली कौन सी है, देवड़ावाटी बोली। और मित्रों देवड़ावाटी बोली बोल जाती है सिरोही के आसपास, कहाँ पर बोल जाती है, सिरोही के आसपास। सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है मित्रों एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है कि देवड़ावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है सिरोही का आसपास का क्षेत्र है, सिरोही मुख्य रूप से सिरोही, सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, देवड़ावाटी। देवड़ावाटी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। गोडवाड़ी बोली कौन सी, गोडवाड़ी बोली। इसके बाद में कौन सी आपकी, गोडवाड़ी बोली। तो गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है, देखो दक्षिण पाली व जालोर, दक्षिण पाली व जालोर, तो दक्षिण पाली व जालोर में कौन सी बोलते हैं, गोडवाड़ी बोली। दक्षिण पाली व जालोर में कौन सी बोलते हैं, गोडवाड़ी बोली बोलते हैं। गोडवाड़ क्षेत्र दक्षिण पाली व जालोर, ध्यान रखना। देखो मित्रों एक ग्रंथ है बिस्सलदेव रासो, बिस्सलदेव रासो, कौन सा ग्रंथ है, बिस्सलदेव रासो, बिस्सलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा था, किसने लिखा था, नरपति नाल्ले, किसने लिखा था, नरपति नाल्ले, नरपति नाल्ले ने जो बिस्सलदेव रासो ग्रंथ लिखा था वह इसी गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया है, किस में लिखा गया, गोडवाड़ी भाषा। वापस देखिए एक बार, इतना मारवाड़ी की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक कहां पर बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी बोली, जनसंख्या के आधार पर कौन सी बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोलते हैं, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर जालोर पाली सिरोही गंगानगर नगर हनुमानगढ़, ठीक है, और चोरू आदि।
अब मारवाड़ी की उपबोलियां देवड़ावाटी बोली कहाँ बोलते हैं? सिरोही में। गोडवाड़ी कहाँ बोलते हैं? दक्षिण पाली और जालौर में। बिसलदेव रासो ग्रंथ नरपति नाल ने लिखा किस भाषा में? लिखा गोडवाड़ी में। तो देवड़ावाटी और गोडवाड़ी दो तो पढ़ ली, तीन चार और है इसकी उपबोलियां। तीसरी देखो मेवाड़ी, इसी की तीसरी उपबोली कौन सी है मित्रों? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली किसकी उपबोली है? किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी। नाम से स्पष्ट है मेवाड़ क्षेत्र, और मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा आपका? देखो उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा। राजसमंद व भीलवाड़ा, तो उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद व भीलवाड़ा जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली बोली जाएगी। और यहां पर देखो महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा आपने, कुंभा। तो इस कुंभा की जो रचनाएं हैं वो कुंभा की रचनाएं मित्रों इसी भाषा में लिखा गई है। महाराणा कुंभा की रचनाएं, जैसे बात की जाए संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो कुंभा की रचनाएं हैं वो मेवाड़ी भाषा में लिखी गई, क्योंकि कुंभा ने मेवाड़ में शासन किया था। तो मेवाड़ी बोले मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। किसकी उपबोली है ये? मारवाड़ी की। बस तीसरी होगी, चौथी शेखावाटी। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावाटी। शेखावाटी बोली किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। शेखावाटी नाम से स्पष्ट है शेखावाटी। शिकर चूरू झुंझुनू, शिकर चूरू झुंझुनू, यहाँ पर कौन सी बोलते हैं? शेखावटी बोलते हैं। चलो हो गई हलो। बागड़ी, पांचवी बोली कौन सी है? बागड़ी बोली। बागड़ी बोली पांचवी, नाम से स्पष्ट है बागड़। बागड़ क्षेत्र कौन सा है मित्रों? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखो मोतीलाल मीनारिया के वर्गीकरण में हम बागड़ी बोली पढ़ रहे हैं उपबोली के रूप में। किस में? उपबोली के रूप में मारवाड़ी, और अलग से भी हम बागड़ी को पढ़ेंगे अंत में। एक और पढ़ ले, थली। कौन सी? थली बोली। थली बोली की बात करें मित्रों तो थली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है ना हमारा, बीकानेर जैसलमेर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा था पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो क्षेत्र, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र में थली बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र था पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है ना जैसलमेर बीकानेर वाला जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर बीकानेर का वह क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं? थली। तो ये मित्रों आपकी कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली कंप्लीट हो गई। मारवाड़ी की उपबोलियाँ सबसे पहले मैंने बताई देवड़ावाटी, कहाँ बोलते हैं? देवड़ावाटी सिरोही में। फिर बताई गोडवाड़ी, गोडवाड़ी कहाँ बोलते हैं? दक्षिण पाली और जालौर में। फिर मेवाड़ी जो मेवाड़ का क्षेत्र है उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद भीलवाड़ा। महाराणा कुंभा की रचना इसी भाषा में, जैसे संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ये इसी भाषा में। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में, शिकर चूरू झुंझुनू में। बागड़ी बोली, ये भी किसकी उपबोली है? राजस्थान जो मारवाड़ी की उपबोली है, बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं। थली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र है, जो जैसलमेर बीकानेर का सीमावर्ती क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वहाँ पर थली बोली बोलते हैं। तो ये सारी उपबोलियाँ, छह उपबोलियाँ किसकी थी? मारवाड़ी की उपबोली, और मारवाड़ी कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए मारवाड़ी के बाद में देखो मित्रों आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी के नेक्स्ट जो हमारी आती है इसके बाद में मेवाती, मोतीलाल मीनारिया का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। मीनारिया के वर्गीकरण में पहले कौन सी थी? मारवाड़ी। दूसरी कौन सी है? मेवाती बोली। मोतीलाल मीनारिया के वर्गीकरण में दूसरी कौन सी आती है? मेवाती बोली आती है। मेवाती बोली की बात की जाए तो मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र है पूर्व में, है ना, तो पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली। आपसे पूछ ले पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली, पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी बोलते हैं? मेवाती बोली। पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी बोलते हैं? मेवाती बोली बोलते हैं। तो पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली मित्रों मेवाती बोली। कौन सी है? मेवाती बोली है, वो पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। बात करें तो अलवर व भरतपुर, मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर, इसके साथ जो हमारा यूपी व हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र है ना, यूपी व हरियाणा का, वहाँ पर भी ये बोली बोलते हैं मेवाती बोली। तो मुख्य रूप से अलवर भरतपुर जो मेवात क्षेत्र में आते हैं मित्रों, मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर मुख्य रूप से आते हैं,
ये बोली बोल जाती है। देखिए मित्रों, जो मेवाती बोली है इसका निर्माण भी देखो वैसे राजस्थानी हरियाणवी, क्योंकि हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र में बोलते हैं, राजस्थानी हरियाणवी और ब्रज भाषा इन तीनों से मिलकर हुआ, राजस्थानी हरियाणवी और ब्रज भाषा से मिलकर इसका निर्माण हुआ है मेवाती बोली का। और सर्वाधिक प्रभाव बात करें कि मेवाती पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो वह है ब्रज भाषा का। किसका प्रभाव है मेवाती बोली पर? सर्वाधिक प्रभाव मेवाती बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ब्रज भाषा का। सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ब्रज भाषा का। अब जो मेवाती बोली है मित्रों, ये हिंदी से साम्य रखती है। किससे रखती है? हिंदी से साम्य, समानता रखती है हिंदी से। इसलिए मेवाती बोली को जो राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी है उन दोनों के मध्य सेतु कहते हैं, अर्थात उन दोनों के जोड़ने का कार्य करती है। तो मेवाती बोली है मित्रों ये हिंदी से समानता रखती है, इसलिए ये मेवाती बोली राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ठीक है, तो ये एक बार और देखो, मेवाती बोली राजस्थानी व पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। अर्थात जो मेवाती बोली है मित्रों ये हिंदी से समानता रखती है, इसलिए इसे राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु कहा गया है। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु किस बोली को कहते हैं? मेवाती बोली को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेवाती। अब देखो मेवात क्षेत्र के जो भी संत थे उनकी रचनाएं मेवाती भाषा में होगी। जैसे आपने संत का नाम सुना होगा लालदास जी, चरणदास जी, है ना। तो संत थे ना लालदास जी, चरणदास जी, लालदास जी चरणदास जी की रचनाएं, लालदास जी और चरणदास जी की जो रचनाएं हैं वो लालदास जी और चरणदास जी की रचनाएं किस भाषा में आती है? मेवाती भाषा में आती है। तो संत लालदास और चरणदास की रचनाएं किस भाषा में आती है? मेवाती भाषा में आती है। आपको ध्यान में रखना, चरणदास जी के जो शिष्य थी सहजोबाई दयाबाई, उनकी रचना भी इसी में आती है। ये आपकी मेवाती बोली होती है। इधर इसकी उपबोलियां देखते हैं, मेवाती की उपबोलियां। सबसे पहले होती है कठेर मेवाती। कौन सी है? कठेर मेवाती। कठेर मेवाती बोलते हैं मेवात में जो राजपूत लोग हैं। कौन बोलते हैं? मेवात में राजपूत लोग कौन सी बोलते हैं? कठेर मेवाती। तो मेवात में राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली कठेर बोली है। ये किसकी उपबोली है? कठेर मेवाती। ये इस मेवाती की बोली है, पहली उपबोली। दूसरी है भयाना मेवाती। कौन सी है? भयाना मेवाती। कौन सी है? भयाना मेवाती। तो मेवात में एक जाटव अनुसूची है। कौन सी है? जाटव अनुसूची। तो इस जाटव अनुसूची से डरे हुए लोग, जाटव अनुसूची से डरे लोग कौन सी बोलते हैं? भयाना मेवाती बोलते हैं। भयाना का नाम स्पष्ट है, भयाना ने भय लगता है। किसका भय लगता है? जाटव अनुसूची। तो मेवात में इस जाटव अनुसूची से डरे हुए लोग हैं कौन सी बोली बोलते हैं? भयाना मेवाती बोलते हैं। राठी अहिरवाटी या हीरावाटी भी बोल दो इसको, यादवों की बोली भी बोल सकते हो, हीरावाटी यादवों की बोली से बोलते हैं, यादव बोलते हैं इसको। हीर होते हैं ना वो हीर। इसकी बात करें राठी अहिरवाटी हीरावाटी यादवों की बोली, तो यादव मुख्य रूप से बोलते हैं। ये इसके जो इसका क्षेत्र है वो जयपुर की कोटपुतली तहसील, जयपुर की कोटपुतली, जयपुर की कोटपुतली तहसील। कौन सी है? कोटपुतली तहसील। और अलवर की, अलवर की बहरोड मुंडावर व बानसूर तहसील, हाँ जो राठी बोली है मित्रों ये कहां पर बोलते हैं? अहिरवाटी बोली, राठी या अहिरवाटी, ये प्रश्न आ सकता है। अहिरवाटी, अहिरवाटी बोली कहां बोली जाती है? अहिरवाटी के नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। अहिरवाटी पूछता है अगला, ये बाकी नाम नहीं मिलेगा आपको। अहिरवाटी किसकी उपबोली है? अहिरवाटी मेवाती की उपबोली। किसकी है? अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है मित्रों। और ये कहां पर बोलते हैं? जयपुर की कोटपुतली,
और अलवर की, इस अलवर की देखो बहरोड, मुंडावर और बानसूर तहसील, यहाँ पर है। कौन सी बोली बोलते हैं? अहिरवाटी बोली बोलते हैं। ये जो अहिरवाटी बोली है मित्रों, इस पर भी देखो राजस्थानी और हरियाणवी का प्रभाव है, राजस्थानी और हरियाणवी का प्रभाव है। इसलिए राजस्थान की जो मेवाती बोली है, और एक हरियाणा की है बागरू, राजस्थान की मेवाती और हरियाणा की कौन सी बोली है? बागरू। तो राजस्थान की मेवाती और हरियाणा की बागरू बोलियों के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन सी? अहिरवाटी। तो राजस्थान की मेवाती, राजस्थान की मेवाती व हरियाणा की बागरू, हरियाणा की बागरू बोलियों के मध्य, हरियाणा की बागरू बोली के मध्य सेतु, बोली के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन? अहिरवाटी बोली। कौन सी करती है? अहिरवाटी। बाकी नाम मत रहे याद रखना, अहिरवाटी किसकी है? मेवाती की बोली। वैसे आपने नाम सुना होगा हमीरसो ग्रंथ, हमीरसो ग्रंथ किसने लिखा था? जोधराज ने लिखा था ना। तो हमीरसो ग्रंथ जो जोधराज ने लिखा था वह इसी अहिरवाटी में लिखा गया है। इसके अलावा अलीबख्श के जो लोक ख्याल है, अलवर का रस खान कहते हैं उसको, अलीबख्श को, अलवर का रस खान किसे कहते हैं? अलीबख्श को। तो अलीबख्श के जो लोक ख्याल थे, वो अलीबख्श के लोक ख्याल भी किस में लिखे गए हैं? अलीबख्श के लोक ख्याल भी मित्रों इसी अहिरवाटी में लिखे गए हैं। तो वापस एक बार रिपीट कीजिए मित्रों, मेवाती बोली पढ़ रहे हैं हमने, मेवाती पूरी कंप्लीट कर ली है। मेवाती बोली पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मेवाती। अलवर व भरतपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ब्रज भाषा का। किस पर है? मेवाती पर। राजस्थानी और पश्चिम हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है? मेवाती बोली। संत लालदास जी चरणदास जी की रचना है किस भाषा में? मेवाती भाषा में। मेवाती की उपबोलियां सबसे पहले कटेर मेवाती, राजपूत बोलते हैं मेवात में, बयाना मेवाती, मेवात में जाटव अनुसूची से ड्रे लोग बोलते हैं, राठी, अहिरवाटी, हीरावाटी या यादवों की बोली। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हीरा जो अहिरवाटी है, ये पूछा जाता है ध्यान रखना। अहिरवाटी जो मेवाती की उपबोली है, इसी के उपनाम है बाकी। जयपुर की कोटपुतली, अलवर की बहरोड, मुंडावर, बानसूर तहसीलों में कौन सी बोलते हैं? अहिरवाटी। राजस्थान की मेवाती बोली और हरियाणा की बागरू बोली के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है? इसके मध्य, इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य अहिरवाटी बोली करती है। मीरासो ग्रंथ किसने लिखा था? जोधराज ने। इसी भाषा में लिखा था मीरासो ग्रंथ, जोधराज ने अहिरवाटी में लिखा था। अलीबख्श के लोक ख्यालों की रचना अहिरवाटी में। इसके अलावा एक बोली और आती है मित्रों, चौथी जगरोती, इसी की उपबोली कौन सी है? जगरोती। ये जगरोती बोलते हैं करौली में। क्या बोलते हैं? जगरोती, करौली में। तो ये चार उपबोलियां देखो मेवाती की, चार उपबोलियां, एक तो कठेर मेवाती, बयाना मेवाती और एक अहिरवाटी या राठी बोली, तीसरी और चौथी कौन सी है? जगरोती। और ये जगरोती बोली कहाँ बोली जाती है? जगरोती बोली आपके करौली में बोली जाती है। इसी के साथ ही आपकी मेवाती बोली क्या होती है मित्रों? कंप्लीट होती है। अब देखिए मित्रों, ये हो गई आपकी मेवाती बोली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इसके बाद में अगली बोली की तरफ चलते हैं। चले, दो बोलियां हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, अब आपकी है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली। नेक्स्ट बोली आपकी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली जो ढूंढाड़ क्षेत्र है हमारा उसमें, और ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर। कहां का बोलते हैं ये? दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। देखिए मित्रों, पहले बता दिया था मैंने आपको, एक तो ये मध्य राजस्थान की प्रधान बोली है, मध्य राजस्थान की प्रधान बोली, मध्य राजस्थान की प्रधान बोली, मध्य राजस्थान में सबसे बोली बोलते हैं कौन सी? ढूंढाड़ी। तो मध्य राजस्थान की प्रधान बोली, एक मैंने आपको बताया था राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली, क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक कौन सी बोलते हैं? जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोली। हाँ, जो मुख्यतः जयपुरी बोली भी कहते हैं इसको, जयपुरी या झाड़शाही भी बोल सकते हैं इसको, जयपुरी या झाड़शाही, तो जयपुर में बोलते थे मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली। तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक में कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोली। मध्य राजस्थान की प्रधान बोली यही, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाती है कौन सी? ढूंढाड़ी बोली।
बात कीजिए मित्रों, देखो संत दादू, संत दादू और जो कच्छावा शासक थे उनकी भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी बोली। ये प्रश्न पूछा गया, संत दादू की रचनाएं किस भाषा में? संत दादू की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में। किस में? ढूंढाड़ी भाषा में। संत दादू व कच्छावा शासकों की भाषा, कच्छावा शासकों की भाषा। तो संत दादू की रचनाएं पूछ लिया आपको। संत दादू वैसे गुजरात से थे लेकिन कर्म क्षेत्र इनका क्या था? राजस्थान था। नरेणा के पास में रहते, नरेणा जयपुर में रहते वो। तो संत दादू की जो भाषा है, रचनाएं हैं, वो मित्रों ढूंढाड़ी में। किस में? ढूंढाड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, बाकायदा एग्जाम में पूछा गया। कच्छावा शासक जयपुर में राज किया था, आमेर में, उनकी भी भाषा कौन सी होगी? ढूंढाड़ी बोली होगी। अब देखो मित्रों ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ, यानी ढूंढाड़ी पर मारवाड़ी के साथ गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी बोली पर मारवाड़ी के साथ साथ गुजराती का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब देखिए मित्रों उपबोलियाँ यहाँ देख लेते हैं। उपबोलियां ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है तोरावाटी। कौन सी आती है? तोरावाटी। तोरावाटी जो ढूंढाड़ी की उपबोली है वो सिक्कर और झुंझुनू, जो कांतले नदी है ना सिक्कर वाली, सिक्कर और झुंझुनू में कौन सी बोलते हैं? तोरावाटी। सिक्कर व झुंझुनू, सिक्कर व झुंझुनू में कौन सी बोलते हैं? सिक्कर व झुंझुनू में तोरावाटी बोलते हैं। ठीक है, राजावाटी। राजावाटी का बोलते हैं जयपुर का पूर्वी भाग, जयपुर का पूर्वी भाग, जयपुर का पूर्वी भाग व दोसा, जयपुर का पूर्वी भाग व दोसा, यहां पर कौन सी बोलते हैं? राजावाटी। काठेड़ी, कौन सी बोली है? काठेड़ी। जयपुर का दक्षिण भाग कौन सा है? जयपुर का दक्षिणी भाग व उनियारा। और उनियारा कहाँ पड़ता है आपका? उनियारा, उनियारा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक। तो जयपुर का दक्षिण भाग और उनियारा टोंक में कौन सी बोलते हैं? काठेड़ी। नागरचोली कौन सी है? नागरचोली या नागरचोल, नागरचोली। दोसा सवाई माधोपुर, दोसा सवाई माधोपुर टोंक, दोसा सवाई माधोपुर टोंक में कौन सी बोलते हैं? नागरचोली। चौरासी पांचवी अंतिम बोली कौन सी है? चौरासी। तो जयपुर का दक्षिण पश्चिम, जयपुर का तो दक्षिण पश्चिमी भाग व टोंक का पश्चिमी क्षेत्र, व टोंक का पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर कौन सी बोलते हैं? चौरासी बोली। ये पांच उपबोलियां किसके हैं? ढूंढाड़ी की। वापस देख लीजिए बात, ढूंढाड़ी बोली जयपुर दोसा सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। मध्य राजस्थान की प्रधान बोली है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोलते हैं ढूंढाड़ी को। संत दादू और कच्छावा शासकों की भाषा ढूंढाड़ी को ही कहते हैं। झाड़साई या जयपुरी बोली भी इसको ही कहते हैं। इसके बाद में हमने इसकी उपबोलियां पढ़ी। तोरावाटी, ये प्रश्न पूछा गया, तोरावाटी बोली सिक्कर व झुंझुनू में जो कांतली नदी का क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। राजावाटी बोली जयपुर का पूर्वी भाग और दोसा में राजावाटी बोली बोली जाती है। राजावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। काठेड़ी बोली, काठेड़ी बोली जयपुर का दक्षिण भाग और उनियारा टोंक में बोली जाती है। काठेड़ी भी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। नागरचोली कौन सी है? नागरचोली जो दोसा सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है, किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। चौरासी जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग और टोंक का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी है? चौरासी। तो एक चीज़ नोट करो, देखो नोट करने वाली चीज़ ये है कि काठेड़ी और चौरासी ये दोनों देखो जयपुर और टोंक में ही है, जयपुर और टोंक में ही है, सिर्फ और सिर्फ इनका थोड़ा बहुत क्षेत्र का ही फर्क है। तो ये आपकी कौन सी कंप्लीट हो गई? ये आपकी ढूंढाड़ी बोली कंप्लीट हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। चले हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों इसी के एक उपबोली आती है हाड़ौती, क्योंकि जो ढूंढाड़ी बोली है मित्रों, ये ढूंढाड़ी बोली है साहित्य में हाड़ौती से समानता रखती है। और हाड़ौती की जो हाड़ौती बोली है
उसको इसे ढूंढाड की उपबोली माना गया, मुख्य रूप से क्या माना गया इसकी उपबोली माना गया, तो हाड़ोती बोली जो ढूंढाड की क्या मानी गई है वैसे एक उपबोली मानी गई, अलग से इसको पढ़ना है हमको हाड़ोती बोली। ढूंढाड के साथ इस पर आपको गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ पर बोल जाएगी ये हाड़ोती क्षेत्र, हाड़ोती क्षेत्र कहाँ पर है, कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़ व कुछ क्षेत्र बारा का मान लो। तो कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा वाले क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलते हैं हाड़ोती, तो हाड़ोती बोली कोटा बूंदी झालावाड़ इन क्षेत्रों में, हाड़ोती प्रदेश में हाड़ोती बोली बोलते हैं मित्रों। ठीक है, देखो एक रचना सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना होगा आपने, सूर्यमल मिश्रण। इस सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी रचनाएं हैं वो इसी भाषा में है, जैसे वंश भास्कर, कौन सी है वंश भास्कर का नाम तो आपने सुना होगा, वंश भास्कर, वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा था, सूर्यमल मिश्रण ने, जिसमें बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है मित्रों, बूंदी राज्य का, बूंदी का रामसिका दरबारी कविता सूर्यमल मिश्रण। तो हाड़ोती बोली हाड़ोती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़ में, पूछ ले कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ोती भाषा में है, जैसे वंश भास्कर ग्रंथ है वो किस में लिखा गया, हाड़ोती में लिखा गया, या हाड़ोती में। अब देखो तीन हमने पढ़ ली है, मारवाड़ी मेवाती और ढूंढाड़ी, अब दो छोटी छोटी आती है आपकी, एक आती है आपकी चौथे नंबर की आती है मालवी बोली, कौन सी बोली है चौथे नंबर की है, मोतीलाल मीनारिया के वर्गीकरण में मालवी बोली। और मालवी बोली मित्रों मालवा क्षेत्र में, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, मालवी बोली मालवा क्षेत्र में, और मालवा क्षेत्र की बात करें तो कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ व चित्तौड़, कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ व चित्तौड़ इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है मालवी। तो मालवी बोली मित्रों कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। राज्य की सबसे अधिक कर्णप्रिय बोली, राज्य की सबसे अधिक कर्णप्रिय बोली कौन सी है मालवी। किसका प्रभाव है इस पर, मराठी भाषा का, किसका प्रभाव है मराठी भाषा का प्रभाव है, मालवी पर किसका प्रभाव है मराठी भाषा का प्रभाव है। देखिए मराठी का अर्थात यहाँ पर जो जनजाति आई थी एक, जैसे कठोड़ी जनजाति है महाराष्ट्र से आई थी, तो मुख्यतः यहाँ पर है उनकी बोलियों का प्रभाव आता है, मराठी बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए मित्रों इसकी उपबोलियाँ, मालवी की उपबोलियाँ, मालवी की उपबोलियां देखो मित्रों, तो मालवी की उपबोलियां देखिए कौन कौन सी है, एक तो आती है आपकी निम्माड़ी, कौन सी आती है निम्माड़ी, और एक आती है आपकी रांगड़ी, कौन सी आती है रांगड़ी। निम्माड़ी और रांगड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की उपबोली है। तो निम्माड़ी की बात की जाए मित्रों तो ये होती है प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बोलते हैं निम्माड़ी, और निम्माड़ी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, क्या कहते हैं इसको दक्षिणी राजस्थानी, क्या कहते हैं इसको निम्माड़ी बोली को क्या कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, हाँ। तो निम्माड़ी बोली है मित्रों ये प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, क्या कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी भी, हाँ। इसके बाद में देखो रांगड़ी बोली, कौन सी बोली है रांगड़ी, रांगड़ी बोली है मित्रों ये मालवा में राजपूतों द्वारा, मालवा में राजपूतों द्वारा, हाँ मालवा में राजपूतों द्वारा कौन सी बोली बोल जाती है, मालवा में राजपूतों द्वारा रांगड़ी बोली बोल जाती है, कौन सी बोल जाती है रांगड़ी। तो निम्माड़ी और रांगड़ी किसकी बोली है मालवी की बोली है, किसकी है मित्रों मालवी की उपबोली है। तो ये आपकी कौन सी होती है मित्रों मालवी बोली। पहले हमने पढ़ी हाड़ोती, जो हाड़ोती क्षेत्र में बोलते हैं, सूर्यमल मिश्रण की रचना है हाड़ोती भाषा में, जैसे वंश भास्कर। मालवी बोली मालवा क्षेत्र कोटा झालावाड़ प्रताप चित्तौड़गढ़ में बोलते हैं, सबसे कर्णप्रिय बोली इसको माना गया,
मराठी भाषा का प्रभाव है, यानी हाँ कंजर जाति की महिलाएं जो मराठी भाषा में साड़ी बांधती है उसको क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। तो कंजर है ये, कंजर जनजाति है, मराठी मराठे से आए थे, कहाँ से आए थे, मराठा था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो बोली बोल जाती है वो कौन सी है, महाराष्ट्र में मित्रों मराठी बोली बोलते हैं। और कंजर है ये कहाँ से आए, मुख्यतः मराठी भाषा का यूज़ करते हैं, मराठा से यानी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कंजर महिलाएं जो मराठी भाषा में जो साड़ी बांधती है उसको फड़का कहते हैं, है ना। तो मराठी भाषा का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। हाँ तो कंजर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, कंजर सबसे ज़्यादा कोटा में पाए जाते हैं। कंजर कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे अधिक, कोटा में, कंजर जनजाति जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कोटा और बूंदी में, है ना। तो मराठी भाषा का प्रभाव किस पर पड़ गया आपका, मालवी पर। निमाड़ी और रांगड़ी ये इसकी दो उपबोलियाँ हैं। निमाड़ी की बात कीजिए प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। रांगड़ी की बात कीजिए तो राजपूतों द्वारा मालवा में बोली जाती है, क्लियर। अब अंतिम मोतीलाल मेहंदाड़िया के वर्गीकरण में आती है, पांच नंबर की उपबोली आती है बागड़ी। कौन सी आती है, बागड़ी बोली। मोतीलाल मेहंदाड़िया के वर्गीकरण में अंतिम कौन सी आती है, पांचवी, बागड़ी बोली। बागड़ी बोली मित्रों बागड़ क्षेत्र कहां पर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बागड़ क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में मित्रों ये बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाती है, भिल्लों के द्वारा। किसके द्वारा, भिल्लों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसको भिल्ली बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, भिल्ली बोली। राजस्थान के दक्षिणतम एंड पर बोली जाती है, इसलिए इसको राजस्थान की दक्षिणतम बोली कहते हैं, राजस्थान की दक्षिणतम बोली। अर्थात सबसे दक्षिण में कौन सी बोलते हैं, बागड़ी बोली। बागड़ी बोली बागड़ क्षेत्र में कहां पर बोलते हैं, बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सर्वाधिक भिल्लों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसको भिल्ली बोली कहते हैं। राजस्थान की दक्षिणतम बोली, राजस्थान की दक्षिणतम एंड पर बोल देते हैं, इसलिए इसको राजस्थान की दक्षिणतम बोली कहते हैं। ये आपकी कौन सी हुई, बागड़ी बोली। तो सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, मारवाड़ी पढ़ी थी, है ना, मारवाड़ी की उपबोलियाँ पढ़ी थी। हाँ इसको एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा आपको, मारवाड़ी, और मारवाड़ी के बाद में मेवाती, मेवाती के बाद में कौन सी पढ़ी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी के बाद में कौन सी पढ़ी आपने, हाड़ौती, मालवी, और अब आ गई आपकी बागड़ी। अब कुछ अन्य बोलियां, दो अन्य बोलियां देखते हैं। अन्य बोलियों में देखो मित्रों कौन कौन सी आती है, अन्य बोलियों में आपकी आती है, एक तो आती है आपकी खेराड़ी। कौन सी आती है, खेराड़ी। ये प्रश्न पूछा गया है खेराड़ी का, इसलिए मैं लिखा है आपको। खेराड़ी बोली की बात करें मित्रों, तो ये खेराड़ी बोली है मित्रों मुख्यतः सबसे अधिक तो बोलते हैं शाहपुरा में। कहाँ पर, शाहपुरा, और शाहपुरा और जहाजपुर ये कहाँ पर पढ़ते हैं मित्रों, भीलवाड़ा में। शाहपुरा और जहाजपुर कहाँ पढ़ते हैं, भीलवाड़ा में पढ़ते हैं। मालपुर, मालपुर कहाँ पड़ता है आपका, टोंक में। मालपुर कहाँ है, टोंक व बूंदी। मालपुर, टोंक व बूंदी, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोलते हैं, खेराड़ी बोली बोलते हैं। जो मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी तीनों का मिश्रण है ये, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है खेराड़ी बोली। और ये प्रश्न एक बार ये प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि शाहपुरा में कौन सी बोली बोली जाती है, शाहपुरा में खेराड़ी बोली बोली जाती है। शाहपुरा कहाँ है आपका, भीलवाड़ा। तो आपको अंडरलाइन करना है, शाहपुरा में सर्वाधिक बोली जाती है खेराड़ी बोली। तो शाहपुरा और जहाजपुर, शाहपुरा और जहाजपुर, तो शाहपुरा और जहाजपुर दोनों कहाँ पर है, शाहपुरा और जहाजपुर भीलवाड़ा में। मालपुर जो आपका टोंक में पड़ता है, मालपुर कहाँ पर है, टोंक में, और बूंदी। तो शाहपुरा, जहाजपुर, मालपुर और बूंदी यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, खेराड़ी बोली, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों एक आती है आपकी ब्रजभाषा। कौन सी आती है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मूलतः कहाँ की आपकी, ब्रज की, अर्थात मथुरा की। मूलतः तो कहाँ की है, सबसे अधिक तो कहाँ पर बोलते हैं, मथुरा। सबसे अधिक कहाँ पर बोली जाती है, मथुरा की। और मथुरा के नज़दीक राजस्थान का भाग कौन सा आता है, भरतपुर। कौन सा आता है, भरतपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पूछ लिया आपको भरतपुर, और उसके बाद में अलवर, भरतपुर और अलवर। ध्यान रखना ये जो ब्रज भाषा है ये मूलतः राजस्थानी नहीं है। जिस प्रकार बात करें हम पंजाबी की, पंजाबी बोली भी राजस्थान में बोलते हैं, लेकिन पंजाब का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे हम बात करें पंजाबी की कर लेते हैं यहाँ पर पंजाबी, तो पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र आपने सुना होगा गंगानगर हनुमानगढ़। कौन सा, गंगानगर हनुमानगढ़। अब यहाँ पर असर पड़ता है पंजाब का, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी बोलते हैं,
पंजाबी बोलते हैं। तो ये पंजाबी और ब्रज भाषा मूलतः राजस्थानी नहीं है, ये मूलतः भाई ऐसा प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सी राजस्थानी नहीं है मूलतः, तो मूलतः पंजाबी और ब्रज भाषा राजस्थानी नहीं है, ये राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान की। तो मथुरा यूपी में मूलतः ब्रज भाषा बोली जाती है, और राजस्थान में मथुरा के नज़दीक पड़ता है भरतपुर, तो सर्वाधिक ब्रज भाषा कहाँ बोलते हैं, भरतपुर में, उसके बाद में अलवर में, ठीक है। पंजाबी गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, मुख्यतः पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र है। खेराड़ी बोली बताई दी मैंने आपको, बागड़ी बताई दी, ये राजस्थान की बोलियाँ मित्रों क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है आपकी जितनी भी बोलियाँ हैं ये कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको एक बार पूरी जो बोलियाँ हैं या पूरे जो भी है वो 5 मिनट में पूरा का पूरा बोलियों वाला टॉपिक है कंप्लीट करवाता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है बोर्ड पर। 5 मिनट में देखो मित्रों कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था हमने, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था राजस्थान में बोलियों का वर्गीकरण, आंसर आपको मन मन में देना, अपने अपने मन में आंसर देना है। बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था, जॉर्ज ब्रैम गियर्सन ने, किस पुस्तक में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, क्या नाम दिया था, राजस्थानी नाम दिया। दूसरा प्रश्न, राजस्थानी के लिए मरुभाषा का उल्लेख कहां पर मिलता है, कूलेमाला ग्रंथ में, किसने लिखा था कूलेमाला ग्रंथ, उद्धोतन सूर्य ने लिखा, किसने लिखा था उद्धोतन सूर्य ने, ठीक है। इसके बाद में हमने बोलियां पढ़ी थी, यानी राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो सबसे बड़ा शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था, सीताराम लालस ने, किसने किया था, सीताराम लालस ने तैयार किया था, ये भी ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा गया। इसके बाद में बोलियां पढ़ी थी, 5 प्रकार मोतीलाल मीनारिया का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने मारवाड़ी को ली थी, मारवाड़ी बोली जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है और सर्वाधिक है राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाती है, और पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली अर्थात जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जालौर पाली नागौर सिरोही इन क्षेत्रों में कौन सी बोलते हैं आपकी, मारवाड़ी बोली बोलते हैं। अब मारवाड़ी की उपबोली बताई मैंने आपको कौन सी, मुख्यतः देवड़ावाटी कहाँ बोलते हैं, देवड़ावाटी सिरोही में, कहाँ पर बोलते हैं सिरोही में, याद रखना है प्रश्न आया हुआ है। गोडवाड़ी दक्षिण पाली और जालौर में, मेवाड़ी बोली मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद भीलवाड़ा और कुंभा का साहित्य इस मेवाड़ी में लिखा गया। बागड़ी बोली बागड़ क्षेत्र में, और बागड़ क्षेत्र आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्लों के द्वारा बोली जाती है इसलिए बिल्ली बोली कहते हैं। इसके अलावा शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र सिकर चूरू झुंझुनू। थली बोली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्षेत्र जो बीकानेर जैसलमेर का सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये थली बोली। ये 5-6 उपबोलियाँ किसकी पढ़ी हमने, मारवाड़ी की। उसके बाद मेवाती पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली, अलवर भरतपुर की प्रधान बोली, अलवर भरतपुर में बोलते हैं कौन सी, मेवाती बोली, जैसे संत लालदास चरणदास इनकी जो रचना है वो किस में, मेवाती में, किस में इनकी रचना है, मेवाती भाषा में। पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य सेतु कहते हैं मेवाती को। मेवाती की उपबोलियाँ खटेर मेवाती है, राजपूतों के द्वारा बोलते हैं कटेर मेवाती, भयाना मेवाती, जाटव अनुसूचित से ड्रे लोग बोलते हैं। अहिरवाटी अहिरवाटी बोली जयपुर की कोटपुतली, अलवर की बहरोड, मुंडावर और बानसूर तहसीलों में अहिरवाटी बोलते हैं। जोधराज, हाँ जो जोधराज ने हमीरा सो ग्रंथ लिखा था, अली बख्श के जो लोक ख्याल है वो किस में लिखे गए, वो अहिरवाटी में लिखे गए, ठीक है। राजस्थान की मेवाती और हरियाणा की बागुरु बोली के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है, अहिरवाटी करती है, ठीक है। जगरोती बोली कहाँ बोलते हैं, जगरोती करौली में बोलते हैं। तो ये 4 बोलियाँ देखो आपको, कठेर हो गई, भयाना हो गई, अहिरवाटी होती है और जगरोती करौली में बोलते हैं। ये 4 किसकी हो गई, मेवाती की बोली। उसके बाद में हमने पढ़ा था ढूंढाड़ी जो जयपुर की प्रधान बोली, जयपुर यानी मध्य राजस्थान की, जयपुर दौसा सवाईमाधोपुर टोंक की मुख्य रूप से बोली जाती है, मध्य राजस्थान की प्रधान बोली है, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक बोली जाती है ना। और संत दादू और कछवाहा शासकों की रचनाएं, संत दादू व कछवाहा शासकों की रचनाएं कौन सी थी आपकी, वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी ढूंढाड़ी भाषा में थी। ढूंढाड़ी भाषाओं की कुछ उपबोलियाँ बताई थी, तोरावाटी कहाँ बोलते हैं, तोरावाटी सिक्कर और झुंझुनू में तोरावाटी, राजावाटी जयपुर का पूर्वी भाग और दौसा में राजावाटी बोलते हैं। उसके बाद काठेड़ी, काठेड़ी जयपुर का दक्षिण भाग और उनियारा टोंक में बोलते हैं काठेड़ी। उसके पश्चात में नागरचोली, दौसा सवाईमाधोपुर टोंक में नागरचोली। उसके बाद में 84 जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग और उनियारा जो टोंक का पश्चिमी क्षेत्र है, टोंक का पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर 84। ये 5 उपबोलियाँ किसकी बताई मैंने आपको, तोरावाटी राजावाटी काठेड़ी नागरचोली और 84, ये किसकी बताई, ढूंढवाड़ी की उपबोलियाँ, ये ढूंढवाड़ी बोली कंप्लीट। उसके बाद में हाड़ोती, हाड़ोती कोटा बूंदी झालावाड़ मुख्यतः हाड़ोती का क्षेत्र है। सूर्यमल मिश्र ने किस भाषा में लिखी अपनी रचनाएं, हाड़ोती में लिखी, जैसे वंश भास्कर की रचना, हाड़ोती कंप्लीट। मालवा की, मालवी बोली मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र कौन सा है, कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़।
मालवा में बोलते हैं यहाँ पर मालवी बोली, और उस राज्य की सबसे अधिक कर्णप्रिय बोली है। कर्णप्रिय बोली कौन सी है? मालवी, जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मालवी की दो उपबोलियाँ, एक तो निमाड़ी एक रांगड़ी। निमाड़ी क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में। और निमाड़ी को क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थानी। क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थानी। इसके बारे में निमाड़ी के बारे में बताइए। रांगड़ी उपबोली, रांगड़ी भी किसकी है? मालवी की उपबोली है। रांगड़ी कौन बोलते हैं? मालवा में राजपूत बोलते हैं। ये मालवी कंप्लीट। उसके बाद में पांचवें नंबर पर बागड़ी, बागड़ क्षेत्र में बिल्लों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए उसको बिल्ली बोली कहते हैं, उसे बागड़ी बोली कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं, ये बागड़ी। उसके बाद में देखो, बागड़ी के बाद में आ गई खेराड़ी बोली। शाहपुरा में सबसे अधिक बोलते हैं, शाहपुरा और जाजपुरा, भीलवाड़ा, मालपुर, टोंक और बूंदी में। उसके बाद में पंजाबी गंगानगर, हनुमानगढ़ में। ब्रजभाषा सबसे अधिक मथुरा में बोलते हैं, राजस्थान में भरतपुर और अलवर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका भाषाएं बोलियां कंप्लीट हो गया। तो जिस मित्र ने आराम से पढ़ा है उसके कंप्लीट हो गया। एक बार यदि घर पर जाकर देखोगे आराम से, ये भाषा बोली वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे राजस्थान के साहित्य के साथ। धन्यवाद।